चलिए। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है सब लोगों को? चलिए बताइए। चलिए इको आ रहा है? अच्छा, एक मिनट देखता हूँ मैं यार। इको तो आना नहीं चाहिए वैसे यार। सुशांत बोल रहे हैं कि इको आ रहा है। मेरे ख्याल से इको आना नहीं चाहिए, सेटिंग तो यहाँ पर सही है। बाकी लोगों को भी इको आ रहा है क्या, बताइए मुझे। बाकी लोगों को इको आ रहा है क्या, बताओ। सुशांत, सादिक, इको नहीं आ रहा है। सुशांत अब तुम बताओ, तुम्हें सुनाई दे रहा है सही? सुशांत अगर सुनाई दे रहा है तो नाउ इट इज क्लियर। चलिए ठीक है। तो बच्चों आज जो है ये अपना डिस्कशन कौन सा है, डीपीपी 567। फाइव अपने सामने है। चलिए तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं डीपीपी नंबर 5। ठीक ठीक तो बताइए। चलिए 5 में 1 to 4 में कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। 1 to 4 में कोई डाउट? सेकेंड का बी पार्ट बोल रहा है, 2D यूनिट्स है, 2 लेयर आर प्लेस्ड वन ओवर अनदर एंड टचिंग ईच अदर, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो आपने निकाल लिए यूनिट सेल में, 2D यूनिट सेल, और पैकिंग एफिशिएंसी ये 3D में निकालना चाह रहा है ना। ठीक, तो 3D में निकालना चाह रहा है। तो अब हम यहाँ पे जो है यूनिट सेल कौन सी ले लें, यहाँ पे ये यूनिट सेल ले लेते हैं अपन, हेक्सागोनल ले लेते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट ये कैसे बनेगा इसको एक बार अपन विजुलाइज कर देते हैं। ये एस सी पी जैसा मान सकता हूँ मैं कि एस सी पी जैसा बनेगा ये एक्चुअली। ठीक है ना, ये इस तरीके से ये आइटम, फिर इसके आसपास 6 आइटम। ठीक है, अपन देख रहे हैं डीपीपी नंबर 5 और इसमें सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो ऐसी की ऐसी लेयर जो है एक ही और रख रहा है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो है लेयर एक दूसरे को टच करने वाली है, ये लेयर एक दूसरे को टच कर रही है। एससीपी नहीं है, पर एससीपी जैसे ये यहाँ इसके ऊपर रखा हुआ है, ये यहाँ इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि दे आर इन कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक, अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल एटम्स। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एस सी पी का हमने एक डेरिवेशन किया हुआ था। एस सी पी के डेरिवेशन में पहले नीचे आता हूँ मैं, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, मेरे ख्याल से हाइट होगी 2R। और एरिया जो है ये 6√3R² हमने डिराइव किया था एस सी पी यूनिट सेल पर, इन एस सी पी 2D यूनिट सेल। अच्छा, इफेक्टिवली एटम्स कितने आ जाएंगे इस यूनिट सेल में बताइए, इफेक्टिवली कितने आ जाएंगे एटम यूनिट सेल में, अगर मैं बोलूँ तो कितने एटम्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, कितना आ रहा है, आधा आधा, ये हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं। ठीक है, इसका 1/6 मानते हैं कोने वाले का। ठीक है, तो कितने हो गए, ऊपर की तरफ हो गया 1, 2 और 3। चलो 3 आ गया, 3 into एक का होता है वॉल्यूम 4/3 πr³। चलो ये अपना, ये चीज़ मैंने पैकिंग एफिशिएंसी जमा ली। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं हम। बोलो आर क्यूब तो कट ही जाएगा, तो 4π अपॉन नीचे आएगा 12√3। एक बार इसको सोल्व करके देखिए और 100 से गुणा करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, परसेंटेज अगर दी हुई। एक बार सोल्व करना भैया, ये 4π ये हो जाएगा π/3√3। एक बार सोल्व करना इसको कितना आता है, 3.14/3 × 1.732। एक बार सोल्व करके देख लो भैया।
कैलकुलेटर होगा मोबाइल में सबके पास, तो एक बार ही सोल्व करके मुझे बताना कितना आता है आंसर, और इसको मैच कर लो कितना आंसर आ रहा है। चलो एक बार देख लो इसको, आंसर लिखिए कैलकुलेट करके मुझे बताइए, और आंसर लिखिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 0.60, यानी कि 60%। आंसर चेक करना भी है, आंसर तुम्हारे पास होंगे, एक बार आंसर चेक कर लेना यार, आंसर कितना आ रहा है। आंसर चेक कर लो भैया, 2D में नहीं, ऊपर इसने जमा दिया है तो 3D बन गया ना, ये तो 2D यूनिट सेल है। टू लेयर आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर एंड टचिंग ईच अदर, आंसर कितना आ रहा है बताइए। डीपीपी नंबर 5 में 2D, 5 में 2 का भी 60% सही है। बोलो अब मुझे बताओ कि क्या समझ में आ गया क्या तुमको ये क्वेश्चन। 60% सही है, ये बात समझो ना कैसे ये बन गई 3D यूनिट सेल। 3D यूनिट सेल होगी जिसमें ये लेयर अपन ने इसके ऊपर रख दी है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इसका आधा, ठीक है, इसका आधा 1/6 इसका कोने वाले है, तो इफेक्टिवली 3 एटम है, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ है, और ये नीचे एरिया इंटू हाइट लेंगे इसको अपन, तो एरिया एग्जागोनल का डिराइव कर रखा है नोट्स में, और हाइट इसकी 2r, सोल्व करेंगे तो ये 60% आ गया। क्लियर है भाई सबको, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। इसमें 4 तक हो गया अपना, 5 to 8 में कोई डाउट। 5, चलो तो 5 में क्या दे रखा है इसने, 5 में बोल रहा है प्लेन ABCD है ना, और ये n यूनिट सेल है क्यूबिक सिस्टम में, और पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है ये इस तरीके से दिखना चाहिए, n यूनिट सेल है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो, ये जो बोल रहा है, ये पांचवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपन। एक ऐसा क्रॉस सेक्शन काटा इसने, और ये क्रॉस सेक्शन इसने दिखा रखा किस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके, अभी हीट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा मुझे, और इसमें एन यूनिट सेल है। अगर मान लो मैं पहला कह सकता हूं कि इसमें सिंपल क्यूबिक मान लेता हूं, इसमें 8 यूनिट सेल रख देता हूं, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि 8 यूनिट सेल छोटी काट के एन यूनिट सेल रख सकते हैं अपन इसमें काट के, तो मैं हर एक पे सिंपल क्यूबिक बना दूं, हर एक पे सिंपल क्यूब बना दूं, तो इस तरीके से होगा। और अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन काटूंगा ये वाला, तो आपको पता है ये एटम एक दूसरे को टच करते हैं सिंपल क्यूबिक में, तो ये इनफैक्ट कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है, सिंपल क्यूबिक। अगर मैं बोलता हूं कि अगर इसमें मैंने सेकेंड जो है BCC रख दिया होता, और n यूनिट सेल में जमा देता इसमें, ये इस तरीके से, तो BCC में क्या होता है, एटम कोने पर और एक सेंटर में होता है, एक सेंटर में ये n यूनिट सेल है, छोटी छोटी यूनिट सेल बना रहा हूं, तो अब मैं ये क्रॉस सेक्शन काटता ना तो वो ऐसा दिखता, ठीक है ना। तो जबकि इसमें ये दोनों एटम जो है वो टच में नहीं होते हैं, नॉट इन टच, नॉट इन टच, ठीक है, ये दोनों टच में होते हैं, ये टच में होता है। तो क्रॉस सेक्शन जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन तो मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा तभी संभव है जब हम इसमें क्या काटें, सिंपल क्यूबिक। क्या ये बात समझ में आई क्या भाई सुशांत, बोलो पांचवा क्वेश्चन बताओ।
क्या ये समझ में आ गया क्या? पी पैकिंग फ्रैक्शन है, तो पैकिंग फ्रैक्शन तो आप सीधा आंसर लिख दो, सिंपल क्यूबिक माना था ना, तो 0.52 आंसर, ठीक है ना? पैकिंग फ्रैक्शन पी पूछ रहा है ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन पी तो अपन कितना लिख देंगे, सिंपल क्यूबिक है तो 0.52 आंसर इसका होगा, क्योंकि आंसर हमारा किसके अकॉर्डिंग है, सिंपल क्यूबिक। अगर क्लियर हो गया हो तो अगला क्वेश्चन भाई, किसी ने पूछा है 8 8, और अच्छा और कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे 10 तक 10 तक तो कोई और क्वेश्चन हो बोलो। टेंथ तक कोई और क्वेश्चन हो? रोंग दिखा रहा है डीपीपी में, क्या रोंग दिखा रहा है बेटा सुशांत, क्या दिखा रहा है रोंग? क्या रोंग है बेटा बताओ, आंसर हो 5। 5 क्या, 5 में क्या दिखाया अपन ने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब 8 आएगा, क्योंकि यूनिट सेल मैंने कितनी रखी है यहाँ पे, एन यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल रखी है, तो एन का 8 आएगा और पी का 0.52 आएगा, बोलो सही है ना, बताओ यार। पांचवे का आंसर एन का 8, पी का 11/21, वो 11/21 0.52 ही होगा, देख पा रहे हो? एन 8 क्यों मानी है, क्योंकि मैंने 8 छोटी छोटी यूनिट सेल काटी ना सिंपल क्यूबिक टाइप की, इसलिए। क्या भाई क्लियर है क्या ये बात, बोलो ठीक है? चलिए, इस डीपीपी में कोई और डाउट नहीं होगा आगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ डीपीपी नंबर 6 में। डीपीपी नंबर 6 में चलो 1 2 4 में कोई डाउट? वन में क्या बोला है, द सोलोविंग सॉलिड आर नोट करें, तो केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज इसमें होनी चाहिए, जैसे सॉलिड CO2 में वांडरवाल फोर्सेस होंगे, ग्रेफाइट में कोवेलेंट वांडरवाल होंगे सही है, ग्रे कास्ट आयरन में मेटेलिक होगा, तो सी जो है ना वो गलत है, नोट करेक्टली मैच्ड, क्योंकि आयरन मेटल है, तो मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक, ठीक है? और डी वाला मेटल अलॉय सही है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड होता है आयन डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो डी सही है, बी सही है, ए सही है, सी गलत है, तो आंसर सी। और कोई डाउट 4 तक? तो 4th में जो है उसने आयरन बोल दिया ना, तो मेटेलिक बॉन्ड उसमें होना चाहिए, ये बात, तो रॉन्गली मैच्ड जो है सी। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, 5 to 8 में कोई डाउट? 5 to 8 में कोई डाउट बच्चों? चलिए फिर आगे देखते हैं, 10 तक कोई डाउट? 10 तक कोई डाउट? डीपीपी नंबर 7 पे आता हूं मैं, डीपीपी नंबर 7 में वन टू फोर में कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे लिख देना चैट बॉक्स में। 5 to 8 में कोई डाउट? 9 10, डीपीपी 9 10 में? टोटल डीपीपी कितने हैं यार इसमें, तो अगली क्लास में अपने खत्म हो जाएंगे शायद मेरे ख्याल से, है ना? डीपीपी नंबर कहाँ तक है यार ये, 7, तो अगली क्लास में क्या दिया, 8 और 9 दिया है ना, 12 है, चलिए तो 2 3 3 डीपीपी डिस्कस कर देंगे अपन, है ना? ठीक है, तो ये खत्म करेंगे, फिर इसके बाद सॉल्यूशन कोलिगेटिव ले लेंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, अगली क्लास का होमवर्क हमारा क्या रहेगा, डीपीपी 8 9 10 कर दें, बोलो, करेक्शन कर दूंगा मैं उसमें वीडियो में, 8 9 10 कर दें क्या, बोलो, 3 डीपीपी कर लाओ तो,
या दो दो करें, बोलो भाई कितने डीपीपी कराए, तीन दे दे, चलो कर लोगे ना, चलो बहुत बढ़िया। तो तीन डीपीपी हम वक्त में दे रहे हैं, 8 9 10 करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास, है ना, जब भी हमारी होगी तो 8 9 10 अपन खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, ठीक। चलिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, एनी डाउट्स। चलिए तो अब होपफुली यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, क्योंकि मतलब ये बिल्कुल वैसे है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा ना उसको फायदा हो रहा होगा बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन करना ही मेन जो है वो चीज़ होती है। और कोटा का क्वेश्चन पेपर लेकर तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं कोटा का कंटेंट लेकर, लेकिन हम रियल चीज़ लेके आ रहे हैं डिस्कशन वाला पार्ट, है ना। तो डिस्कशन जो है हर एक बंदा नहीं कर रहा सिस्टमेटिकली, हम डिस्कशन कराएंगे और पहले से डिफाइन करके होमवर्क दे रहे हैं, तो बिल्कुल कोटा वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। होपफुली यू विल एन्जॉय दिस थिंग। एनी डाउट, कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, वरना फिर मैं एंड करता हूँ सेशन। कोई डाउट बच्चों? ठीक, चलिए बच्चों, तो गुड नाइट, ठीक है ना, टेक केयर, ठीक, ओके बाय, ओके।